दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया गया है। एमपी बोर्ड के छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छे से सफल हुए हैं। अब बात आती है सरकारी योजनाओं की जिनकी घोषणा की गई थी और अब ये योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को स्टूडेंट्स को कब मिलने वाला है, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में समझेंगे। ध्यान से आपको ये वीडियो समझना है। मुफ्त एमपी फ्री स्कूटी योजना या फिर एमपी फ्री लैपटॉप योजना और 60% अंकों पर बच्चों जो 25,000 की नगद धनराशि का पुरस्कार है उसकी पूरी डिटेल हम आपके साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। जल्दी से आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो अपने जिले का नाम जरूर लिखना और आपका कितना परसेंटेज बना है, कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं अपनी क्लास और अपना परसेंटेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बच्चों एमपी फ्री स्कूटी योजना, बेटे और बेटियों दोनों को फ्री में स्कूटी, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मध्य प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो। चलो बढ़ते हैं, पूरी डिटेल यहां पर तीनों योजनाओं की हम पूरी यहां पर आपको जानकारी देने वाले हैं। यहां पर बच्चों आपको कौन कौन सी जानकारी मिलने वाली है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 2024 क्या है, इसके अलावा मुख्यमंत्री स्कूटी योजना क्या है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ किनको मिलेगा, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की पात्रता क्या है बच्चों, सारी डिटेल हम यहां पर देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना में दस्तावेज कौन से लगेंगे, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की लाभार्थी सूची कैसे बनेगी और फॉर्म कब भरा जाएगा, कहां से भरा जाएगा, इस पूरी डिटेल को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जब ये घोषणा की गई थी और अब क्या सच में इनका लाभ हमारे सभी एमपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को मिलेगा या फिर अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, सारी डिटेल हम आपके साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक आपको सुनना है। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा बेटे तथा बेटियों को फ्री में स्कूटी देने की घोषणा की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहां पर घोषणा की थी कि जो 12th पास के स्टूडेंट होंगे उन्हें मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें फ्री में स्कूटी दी जाएगी। साथ ही साथ एक और योजना है जिसमें 60% अंक पाने वाले सरकारी स्कूल के 60% अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को 25,000 रुपए की नगद धनराशि का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से फ्री लैपटॉप की योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में भी हम लास्ट में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो घोषणा की गई थी कि बालक और बालिकाओं को ई स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के द्वारा प्रदेश के 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को एमपी सरकार द्वारा ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना एमपी 2024 में इस वर्ष बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री द्वारा बालक बालिकाओं को इस योजना के तहत स्कूटी का वितरण किए जाने का ऐलान किया गया था, पर अब प्रदेश के 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को भी स्कूटी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन स्कूटी योजना 2024 के तहत इस साल 12वीं में फर्स्ट डिवीजन यानी कम से कम 60% अंक पास छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आने जाने के लिए स्कूटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि इस योजना का उद्देश्य बालक और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इस योजना से सरकार का उद्देश्य बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में आने जाने में होने वाली समस्या को दूर करना है। गरीब बालक बालिकाओं के परिवार वाले उनको आगे पढ़ने से ना रोक सके और वे अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई कर सकें। बालक बालिकाओं को आगे बढ़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहले सिर्फ बालिकाओं को ही फ्री ई स्कूटी देने की बात कही गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बालकों को भी ई स्कूटी प्रदान करने की यहां पर बात कही गई थी। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह घोषणा की थी। ठीक है, ये अभी की घोषणा नहीं है बच्चों, जब रिजल्ट आया है आपका ये पहले की घोषणा है। पूर्व जो हमारे एक्स सीएम थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये घोषणा की थी। ठीक है, कि उनको कि छात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से छात्र छात्राओं का लाभ होगा। ठीक है, इस योजना में छात्र छात्राओं को फ्री ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना से प्रदेश के 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन यानी कम से कम 60% से पास होने वाले मार्क्स से पास होने वाले छात्र छात्राओं को लाभ होगा। हर वर्ग के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। छात्र छात्राओं को आने जाने आगे बढ़ने में यातायात संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। इस योजना के तहत होनहार बालक बालिकाओं को हर वर्ष 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद स्कूटी का वितरण किया जाएगा। तो ये वो मैनिफेस्टो, ये वो घोषणाएं हैं जो कि मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब इसके बारे में यहां पर आपको एक न्यूज़पेपर में भी आपको ये पूरी डिटेल आपको देखने को मिल रही है कि बेटियों के साथ बेटों को भी ई स्कूटी देगी सरकार। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने यहां पर यह योजना का
घोषणा की थी कि हर साल 60% अंकों से पास होने वाले 12th के स्टूडेंट्स को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस योजना की वर्तमान कंडीशन क्या है बच्चों, तो वर्तमान में इस योजना से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है और इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन शुरू की गई थी ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में। इसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से ये फ्री ई स्कूटी की योजना बालक बालिकाओं को पढ़ाई में यातायात संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए, जो फर्स्ट डिवीजन यानी कम से कम 60% नंबरों से पास होने वाले छात्र छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बच्चों इंतजार रहेगा इस योजना की ऑफिशियल कंफर्मेशन का, ऑफिशियल जानकारी आएगी, ऑफिशियल अपडेट आती है इस योजना को लेकर कि इस योजना को जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी कि बालक और बालिकाओं को, छात्र सभी स्टूडेंट्स को ई स्कूटी की सुविधा प्रदान की जाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो जब घोषणा की गई थी तो छात्र छात्राओं को एमपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हर वर्ग का छात्र छात्रा इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ई स्कूटी योजना में आयु सीमा छात्र छात्राओं की 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 17 वर्ष की आयु जिनकी हो चुकी है उनको ई स्कूटी का लाभ मिलेगा। दस्तावेज आप तैयार रख सकते हैं, फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा 12 की अंक सूची यानी मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पहचान का प्रमाण पत्र और समग्र आईडी आपको तैयार रखनी है। बाकी आपके कॉलेज से इसकी अपडेट आएगी। जैसे हमें टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप का वितरण किया जाता है, इस योजना की क्या अपडेट रहेगी, क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन रहेगा, इसकी जानकारी आपको कॉलेज या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा। घोषणा हुई थी लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल कंफर्मेशन की जरूरत है, इसकी लेटेस्ट अपडेट आनी बाकी है, तब आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में कुछ कहा जा पाएगा। तो आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और बाकी बात करते हैं कि इस योजना के फॉर्म कहां से भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, तो बच्चों ये भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल नोटिस या फिर इस योजना को कब और कैसे सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है उसके बाद ही ये सारी जानकारी हमारे सामने निकल कर आ पाएगी कि इसके फॉर्म कहां भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, या कॉलेज की तरफ से इसका डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा और इसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये सारी जानकारी है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने छात्र छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या फिर ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, तो कक्षा 12वीं का रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन दोस्तों आनी बाकी है। मध्य प्रदेश में स्कूटी कितने परसेंटेज पर मिल रही है, तो एमपी में स्कूटी उन बालक बालिकाओं को मिलेगी जो 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से बच्चे पास हुए होंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना एमपी सरकार ने बजट 2023-24 के तहत शुरू की थी। तो बजट अगर लगाया गया था, बजट अगर इसके बारे में सरकार ने सोचा है, तो बच्चों ये योजना प्रोसेस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस नहीं हो सकती है, और बस इंतजार रहेगा कि इस संबंध में क्या अपडेट एमपी सरकार देती है। साथ ही साथ अब बात करते हैं यहां पर फ्री लैपटॉप वितरण के बारे में, तो बता दें कि एमपी सरकार ने 2023 में जो 60% या उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राएं थे उनको मुफ्त लैपटॉप कई सालों से बांटती चली आ रही है, देती चली आ रही है, ताकि उनको ई कौशल में, शिक्षा में कोई भी रुकावट ना पैदा हो। सरकारी स्कूलों में 12वीं के छात्र जो हैं वो कम से कम 60% से पास हो तो उन्हें लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों ये भी बताते चलें कि जो 70% या 70% से अधिक नंबर वाले अदर स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी स्कूल के अलावा स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दोस्तों लैपटॉप योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक योजना जो रह गई है, जो मैंने आपको बताया था कि 60% अंकों पर जो 25,000 रुपए का जो पुरस्कार राशि थी, ठीक है, उसके बारे में क्या अपडेट है, तो स्कूटी योजना की तरह बच्चों उसकी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, उसकी भी ऑफिशियल जो अपडेट है वो आनी बाकी है। इस योजना को कैसे सरकार बढ़ाती है ये देखने वाली बात होगी। हम आपको इससे रिलेटेड हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने आपको यहां पर बताया कि स्कूटी योजना की घोषणा की गई थी, बाकी अपडेट आएगी वैसे ही, इस योजना को सरकार कैसे बढ़ाती है ये देखने वाली बात होगी। अगर सरकार ने कहा था, एक्स चीफ मिनिस्टर ने योजना की घोषणा की थी, तो ये योजना प्रोसेस भी हो सकती है और आप लोगों को ई स्कूटी योजना का लाभ मिल सकता है। लैपटॉप योजना का 60-70% से अधिक छात्र छात्राओं को मिलेगा। साथ ही साथ 60% अंकों पर 25,000 की जो नगद धनराशि वाला पुरस्कार है उसके बारे में भी बच्चों ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल अपडेट आनी बाकी है। उसमें भी देखना पड़ेगा कि सरकार इसको कैसे आगे बढ़ाती है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो,
बिल्कुल सही जानकारी और सटीक विश्लेषण के साथ मैंने आपको जानकारी दी है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आपके कितने परसेंटेज बने हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट में, अपनी क्लास और परसेंटेज को जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।